नौजवान साथियों, साथियों 20 दिन से आप लगातार इस गर्मी में बैठे हो, तो मुद्दा आप सबको पता है कि ये सरकार किस तरीके से जुल्म किसी न किसी बहाने आए दिन, चाहे किसान की बात हो चाहे मजदूर की बात हो, हर वर्ग के ऊपर ये सरकार जुल्म करने का काम कर रही है। कभी ये सरकार किसानों से टकराव लेती है, कभी ये सरकार आए दिन कर्मचारियों से टकराव लेती है, किसी दिन ये सरकार हर वर्ग के साथ किसी न किसी बहाने ऊपर उलझने का काम करती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये वहम था कि भाई ये तो हिंदू प्रेमी है, गऊ प्रेमी है, इनके इस प्रेम का ढकोसला भी इस खेदड़ तक लिकड़ गया। ये कया करते भाई गाय हमारी माता है, कई तो न्यूटी कहते हैं भाई हमने गाय का पेशाब पीना चाहिए, कई डाल की बीमारी दूर हो जाए हैं। लेकिन जब उस गऊ की सही मायने में रक्षा करने की बात आती है तो उस गऊ को बेघर करने का काम भी ये बीजेपी और जेजेपी के लोग करते हैं। साथियों यो एक मारे बुड्ढे एक न्यू नहीं कहा करते भाई, एक कौन से थी कहने भाई बीमारी है, इस सरकार का तो एक बीमारी है कि दिमाग में कीड़ा बढ़ चुका है। इस सरकार ने ना तो चैन ते आप बैठना और ना चैन ते या जनता बैठने देनी, इनका एक परमानेंट बीमारी होगी कि भी आए दिन लोगों को किसी न किसी बहाने से तंग करना, लोगों को किसी न किसी बहाने से परेशान करना, इनका तो वह बीमारी होगी। दो बूटे आपस में फेंट गए और बतलाने लग गया आपस में, बोले भाई आजकल के कर रहा है, कह बालक से, एक जना बोले दो बालक से, दूसरा बोले भाई मेरा तो चार बालक से, बोले भाई चारों के कर रहे हैं, बोले चारों डॉक्टर हैं, बोले भाई बहुत बढ़िया बात चारों डॉक्टर है, तो बोले क्या क्या डॉक्टर है, बोले न्यू तो बेरा नहीं क्या के डॉक्टर है, जोरसन टोकू वो या बात कर तेरा बीमारी है गे, तो ये इनका तो वह बीमारी होगी ना, इन इलाज का बेरा और ना इन सरकार चलाने का बेरा। प्रशासन जिस तरीके से भी सरकार को गाइड करता है, सरकार वही लीक पकड़ ले है। ईबती तो रोले सुने थे मोर्चा के या किसान आंदोलन के या किसी कर्मचारी ने अपनी मांग मनवानी होया करती, इस जेजेपी बीजेपी की सरकार ने एक नया इतिहास बना दिया, राख बाबत भी लोगा गल्ला रोला जनता गल्ला रोला छेड़ दिया। कमाल की बात है, जो राख सारे गांव का उड़ के कुर्ते में मुंह पे रोटियां में भी बढ़िया करती, जब सरकार पे उसका इलाज नहीं होया, जब गांव गुआंडा ने मिलके गौशाला के माध्यम से उस राख का इलाज कर लिया और करोड़ों रुपया की मशीन ला दी चंदे ते, सरकार का वह भी नहीं सुहाई। यून मरला अपना भाई नया नया नहीं बने, छोटी सी उम्र में जिसने चौधर ठाएगी दुष्यंत चुटाला, इसका यू पैम बढ़ गया कि ये खेतड़ वाले तो या जो गौशाला वाले हैं इस राख तो बहुत मोटी कमाई करने लग रहे और हाथ धो के पाछे पड़ लिया। लेकिन ये लोग ना आप राजी रह सकते ना दूसरे ने राजी देख सकते, इनका लालच इनका बेईमाना इतना बड़ा है, ना इनके मन में यह आंधी कि भाई जिस गऊ को तुम माता कहते हो जिस गऊ के नाम पर तुम वोट मांगो, जय उन गऊ हजारों गऊओं का पेट पड़ रहा है, आस पड़ोस में आवारा पशुओं को जो जो गाय होती है उन आदमी गौशाला में छोड़े हुए हैं, लोग एक्सीडेंट होते बचते हैं, किसानों की फसल बचते हैं, इनका वह भी स्वयं नहीं हुई, उस राख के भी ने टेंडर लगाने का फैसला ले लिया।
और मैं तो एक बात कहूंगा, इस किसान आंदोलन से इस 36 जात के भाईचारे ने एक होना और जीतना सीख लिया है। जो दिल्ली से किसान आंदोलन जो यूं कह अगर दे भाई यू नरेंद्र मोदी है, यू उल्टा को नहीं हटा है, और किसाना का मजाक उड़ाया करते वो नरेंद्र मोदी तड़के तड़क बिना किसी ने बताए टीवी पर हाथ जोड़े पाया, बेरा भी नहीं पटा देख लोगों ने, तो वो न्यूए कंधे पाया भाई मन माफ कर दो मैं ये काले कानून उल्टे ले हूं। हमने साल भर तो लगा लेकिन वह लड़ाई अपने एक होना और शांति से हर लड़ाई जीतने का मंत्र सिखाएगी। उसके बाद बहुत सारी लड़ाई हुई, चाहे बात आपा कर लिया ईप नालंदा हल्के में, क्योंकि मेरा हल्का नालंदा पड़ता है, दो धरने लगातार 40-40 दिन चले, एक तो बास गांव में और एक खेड़ी चोपटा है। खेड़ी चोपटा के 17 गांव के किसानों को मोर्चा नहीं दिया और फसल में नुकसान था, लेकिन कुछ अधिकारियों ने सेटिंग करके कुछ अधिकारियों ने उन गांव के किसानों का गला घोटने का फैसला ले लिया और सरकार ने उसके ऊपर मोर ला दी। ना मनोहर लाल खट्टर ना दुष्यंत चौटाला गैया मनमाई कि भाई ऐसा कैसे हो सका कि भाई नून भी नुकसान है और न्यून भी नुकसान और बीच में नुकसान को नहीं। लेकिन खेड़ी चोपटे के तहसील के में 17 गांव लगातार लड़े और 48 दिन तारे की डाल बैठे रहे और अंत में इस सरकार को गुड़ली आना पड़ा और उनको मुआवजे की घोषणा करनी पड़ी, उनको 16 करोड़ रुपए उस तहसील को मुआवजा देना पड़ा। तो साथियों एक रही हो, क्योंकि सरकार की कई ढाल की नीति है, या सरकार पहले तो पिछोड़ा कर है फिर निचोड़ के देखा कर है, और इन आर एस एस आलिया में किमें अंग्रेजा के बीज रह रहे हैं। इन आर एस एस आलिया की एक बहुत तकड़ी प्लानिंग है, फूट डालो राज करो, ये पिछोड़े निचोड़े पछे हमारे भाईचारे ना आपस में तोड़ के हमारी लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए संगठित रहियो, दो दिन में चार दिन में ये सरकार तारी मांग न मानेगी और गौशाला का जो हक है वही सरकार को देना पड़ेगा, उसको कोई नहीं छीन सकता। अरे भाई हमें आए तो 20वें दिन है, क्यों खेड़ी भी धरना चलिया करता, बातचीत हो जाया कर दी कोई मारा, मेरा बहुत ही ईमानदार बहुत ही बढ़िया साथी है मेरा बड़ा भाई राजवीर, हमें 30% चुन के गए थे, मारे तीसा में यू सबसे ईमानदार सबसे शरीफ साथी था भाई मारा सतेंद्र है, सरपंच साहब है भाई सुरेश है, रणदीप भाई है, प्रधान जी है, इनसे मारी रोज चर्चा तो हो जाया कर दी भी खेतड़ में धरना चल रहा है, क्यों खेतड़ और पेटवाड़ की रिश्तेदारी अच्छी है, इनमें को मरा फूफा पाओगा, को मरा दादा पाओगा, को रिश्तेदार पाओगा, राडे को मारी बुआ बहन, अरे भाई भीड़ में किसी के फूफे तो हम भी लग दे पा जाएंगे इसी बात को। तो हमें इस लड़ाई में तारे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, यो 20वां दिन हो गया, चाहे ई 20वां कह था नहीं भाई, जब 2024 तक चल दे तो मारे कई बूढ़े तो इसे हो गए किसान आंदोलन पाछे उनका घर जी लगता है कोनी, यूं मारा को किन्नरिया दादा बैठा था वो कबीड़ी पीने गया होगा, वो खेड़ी धरना खत्म हो गया ने उदन बोले बोले फिर खेतड़ का नहीं चलना पड़ेगा। तो सरकार यह समझ ले मारे बुढ़िया ने भी लड़ाई लड़न में स्वाद आ गया है, अरे इन बुढ़ा गल है नौजवानों के साथ ही हमने सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो हमारी मातृशक्ति की ताकत होती है, इनने भी सीख लिया कि मनसा का गलत कंधे से कंधा मिला के हर लड़ाई को लड़ा भी जा सकता है और जीता भी जा सकता है। कई
कई तरीके के लोग होते हैं। मैं सलाम करता हूं आपकी सोच को। कई लोग तो इस ढाल के हुए हैं, पुराने जमाने में एक राजा ने एक नियम बना दिया, एक पुल टूट रहा था, अरे वो पुल नया बनवा दिया राज्य ने 10-15 दिन। ये इस सरकार के ऊपर बिल्कुल स्टिक बैठती है, आप इस चीज का ध्यान रखना। ये हमारे घर आज हुए काम करने लग रहे हैं, लेकिन हमने उन लोगों की तरह नहीं बनना, हमने लड़ाके बनना है, हमने गलत बात का विरोध करना है, चाहे सरकार किसी की भी हो। एक राजा ने पुल बना दिया, 10-15 दिन लोग तारीफ करते रहे, भाई राजा ने बहुत बढ़िया काम कराया, बहुत अच्छा काम कराया, पुल टूट गया था नया बना दिया। 15-20 दिन पाछा राजा ने कहा भाई पुल तो बन गया, इस पर कर लगाना शुरू करो, 10 रुपये बिना जो भी इस पुल पर टपेगा उसका 10 रुपये उस पर लेना शुरू कर दो। एक आदमी बिठा दिया और 10 रुपये लेने शुरू कर दिए, किसी ने विरोध नहीं कराया। जुगराज जगह जगह टोल टैक्स लाने लग रहे हैं, फिर 10 रुपये पाछे 15-20 दिन पाछे 20 रुपये कर दिए, किसी ने विरोध नहीं कराया। फिर भिन्ना टपया भिन्ना पाछे 50 रुपये कर दिए, करते करते साल 6 महीना में 100 रुपये जुर्माना कर दिया, और जुर्माने का गला एक नया नियम बना दिया, अगर जो भी इस पुल पर टपेगा उसने 100 रुपये तो देने पड़ेंगे, गल्ला दो जूत भी खाने पड़ेंगे, एक पीछे लेनिया बैठा दिया और एक जूत मारनिया बैठा दिया, और अगर जो भी टपे होगा कोटा उसका दो जूत लागर टप जे। राजा ने कहा भाई इस बात का कितना विरोध तो नहीं है, बोले ना जी कोई विरोध नहीं, बोले एक काम करो एक शिकायत पेटी रख दो। वह शिकायत पेटी रख दी, अगर भाई जिसने भी शिकायत हो इसमें शिकायत डाल दियो अपनी, साल 6 महीने बीत गए, एक आदमी ने एक शिकायत डाल दी, उसमें शिकायत डाल दी, शिकायत डालने पाछे वो आदमी राजा के पास बुलाया गया, बोला भाई इस आदमी ने बुलाओ, एक के आदमी ने शिकायत है इसने बुलाओ। वो आदमी राजा के पास बुलाया, बोले हाँ भाई इतने लिख रखा है कि मन्ने इस जुर्माना लेने जूते मारने के नियम थे शिकायत है, बोला बता के शिकायत है, बोले मैं तो न्यू कहना चाहूं राजा जी, ये तो जूत मारनी है नी, यू एक लाइन लंबी लाग जे, बोला जूत मारनी है 2-3 खड़े कर दो। तो वह लोग उन लोगों की तरह अपने नहीं बनना है, हर गलत चीज का अपने विरोध करना है, जदे ये हमारी इस किसान मजदूर कौम को आगे बढ़ने दे सकते हैं, नहीं तो ये हर रोज हमारे हकों के ऊपर डाका डालने का काम करेंगे, हर रोज हमारे हक छीनने का काम करेंगे। गौशाला एक धर्म का बहुत बड़ा पवित्र स्थल है, जहां निस्वार्थ भाव से गौओं की सेवा की जाती है, जहां निस्वार्थ भाव से जिस पशु को कोई सहारा नहीं होता उसको सहारा मिल जाता है, समय पर चारा मिलता है, समय पर पानी मिले है, समय पर किसी पशु को कोई दिक्कत हो जाए, कितिया कोई तार तूर में कट जाए उसका समय पर इलाज हो जाता है। लेकिन इस सरकार के लिए अगर कोई धार्मिक स्थल है तो वो धार्मिक स्थल केवल लालच का अड्डा है, केवल पैसों का अड्डा है। या बीजेपी आए दिन कोई न कोई नए नियम बना के किसान मजदूर को उजाड़ने का काम करती थी, और जब यह जेजेपी इस गल्ला आएगी तो इन इस काम में और स्पीड कर दी। तो मैं आप सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, आप जो लड़ाई लड़ रहे हो बड़ी धर्म की लड़ाई है, खेतड़ और गांव गुआंड मिलके इस लड़ाई में मजबूती तक लड़ने का काम करो, और जिस दिन भी आप कोई बड़ा कोई भी धरना प्रदर्शन कोई भी बड़ी जो बड़ी आप कार्रवाई करोगे, हमारा निवेदन आपसे है गांव गुआंडा में खापा में संदेश से पहुंचाए जावे। मैं सत्रोल खाप से हूं, आपको एक वायदा करके जाता हूं कि मारी खाप मारा परिवार और मारा गांव खेतड़ की इस लड़ाई में कंधे से कंधे मिला के साथ खड़े, और तामे चाहे इस आर लड़ाई लड़ियो चाहे खेतड़ लड़ो चाहे हंसी लड़ो चाहे बरवाले लड़ो तारे गल्ले हैं भाई। और प्रशासन को ये बात कहना चाहते हैं, प्रशासन जो होता है वो माध्यम होता है, सरकार और जनता के बीच का बिचौलिए ना बनो, सरकार के ठग ना बनो, लुटेरे ना बनो। प्रशासन इस बात को भली भांति जानता है
कि जो यह राख है इससे गऊओं का, हजारों गऊओं का पेट पड़ता है, इससे उस गौचारा गौशाला के चारे पानी का प्रबंध कराया जाता है। इसलिए सरकार ने इस बात को चेताने का काम करो कि जी इसके टेंडर लाने में नुकसान है, हजारों गऊ बेघर हो जाएंगी, गौशाला खत्म हो जाएगी। इसलिए इसका टेंडर की बजाय जिस जो व्यवस्था एक गौशाला ने बना रखी है उस व्यवस्था ने चालन दो, ताकि धर्म का काम लगातार जारी रहे। नहीं तो कट्टर दुष्यंत जो प्रशासन का अधिकारी इसमें भागीदार बनेगा, और इस गौशाला को, इस गौशाला की इस जो काम चल रहा है इसको रोकने का काम करेगा, उसका कीड़े पड़ेंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय खेजड़गाम की।